तो गाइस क्या आपको पता है अपने गेम में दो दिन पहले ही ब्लैक बनी बंडल आया है, लेकिन बैच 99 टोंडे गेमर इन सबको ब्लैक बनी बंडल बहुत पहले ही मिल गया तो था। आखिर उन्होंने कौन से ग्लिच का यूज किया था ये मुझे पता चल गया और है। क्या आपको पता है अपने इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में पीसी प्लेयर्स बैन है, बस क्लैश कोड में मैच मेकिंग लग जाती है लेकिन बी आर रैंक में मैच मेकिंग नहीं लगती, अगर लगती है तो बॉट लॉबी आती है। लेकिन फिर भी इंडिया में कई सारे यूट्यूबर्स है जो की पीसी में खेलते हैं लेकिन फिर भी उनके बी आर में मैच मेकिंग लगती है और उनके बंदे भी काफी अच्छे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिंजत गेमिंग को ले लो, ये तो बहुत घंटे तक लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। भाई आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ है? और क्या आपको पता है कि आप बहुत सारे डायमंड्स बिल्कुल फ्री में क्लेम कर सकते हो, गरीना आपको खुद देगा। तो ट्रिक आखिर है कौन सी, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। आज की वीडियो में ऐसे कमाल के मिस्टीरियस एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन फैक्ट्स को सुनकर आपका रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक बनी बंडल, ये तो अपने गेम में आ चुका लेकिन है लेकिन इस बंडल के साथ ही काफी ज्यादा भयंकर चीजें भी हुई है। जैसे इंडिया की बात करें तो गेम में आने के एक महीने पहले ही बैच 99 को ब्लैक बनी बंडल मिल गया था, लेकिन बैच 99 ने ये तो बताया ही नहीं कि भाई तुमको एक महीने पहले मिला तो मिला कैसे ये बंडल। और वैसे ही बीडी सर्वर में टोंडे गेमर को भी मिल गया था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो मैं अपना माथा फोड़ने लग गया, साला अगर गरीना फ्री फायर ने दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया, हम भी तो पार्टनर प्रोग्राम में है ना। और जस्ट रिसेंटली एक हफ्ते पहले असिसन आर्मी को भी मिला था ब्लैक बनी बंडल, तो मैंने जाकर डायरेक्ट असिसन आर्मी मतलब नैन भाई को पूछा कि भाई ये मिला कहे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको गरीना ने ही दिया है। और फिर मुझे समझ में आया कि भाई आखिर ये लोचा क्या है, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ गिने चुने बंदे को क्यों मिला था ब्लैक बनी बंडल, हम पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर क्या खत्म हो गए थे? चलो अब ये जानते हैं कि आखिर ये मिस्टीरियस चीज हमारे साथ हुआ क्यों। जिनका चिनका ऐसा चैनल है जो कि गेम प्ले अपलोड करते हैं, स्पेशली उन लोगों को ये बंडल मिला गया था जिनको अच्छे खासे व्यूज आते हैं। बट द रीजन इज व्हाई, ऐसा करना ही क्यों था? जैसे बाकी बंडल को पार्टनर प्रोग्राम के सभी यूट्यूबर से प्रमोट करा जा रहा है, तो इस बंडल में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि सबसे नहीं करवाया गया? आप सभी को पता है कि ब्लैक बनी बंडल की भाई कितनी ज्यादा हाइप थी, अगर बहुत सारे यूट्यूबर को एक साथ मिल जा रहा तो भाई मजा ही नहीं आता। इसलिए पहले फ्री फायर ने गिने चुने यूट्यूबर्स को दिया ताकि वो उनकी हाइप क्रिएट कर पाए, और ऐसा हुआ भी। और मैं सारा सोच रहा हूँ कि भाई कौन सा ग्लिच यूज करके ये लोग ब्लैक बनी बंडल निकाल रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा और भी आने वाले फ्यूचर में बंडल के साथ कुछ होने वाला तो है। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो समझ जाना कि भाई लोचा क्या है। फैक्ट नंबर 4, अपने गेम में जो AWM है और एक AWMY है, तो AWM और AWMY में फर्क क्या है? आप सभी को पता है AWM क्या गन है भाई, 150 का डैमेज देती है, लेकिन AWMY में ऐसा क्या खास है जो कि AWM में नहीं है? पहली बात, AWMY में खास बात ये है कि सबसे पहले इसका रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, AWM के मुकाबले AWMY में ज्यादा रेट ऑफ फायर। अब यहां पे काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई AWM में रेट ऑफ फायर का काम क्या होता है। मुझे तो ये चीज पता है, लेकिन मुझे ये देखना है कि आप लोग सही आंसर दे पाते हो। चलो कमेंट करके बताओ, अगर सही कमेंट नहीं आया तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेट ऑफ फायर का काम क्या होता है AWM में। बिलीव मी, इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग इसे इग्नोर कर देते हो। AWMY में AWM के मुकाबले रेट ऑफ फायर तो बढ़ जाता है, एक और चीज बढ़ती है वो है आर्मर पेनिट्रेशन, और इसका आर्मर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। कह सकते हो नॉर्मल AWM के मुकाबले AWMY में जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। अगर आपके पास AWMY है एंड सामने वाले बंदे के पास लेवल 4 का वेस्ट है, एंड अगर आपने उसके छाती पे मार दिया एक गोली, तो उसका लेवल 4 का वेस्ट भी फूट जाता है पूरी तरीके से। याद रखना, छाती में मारने की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर लेवल 4 का वेस्ट एक गोली में फूट जा रहा है, तो लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 का वेस्ट उनकी क्या ही औकात है। फैक्ट नंबर 3, अपने इंडियन सर्वर में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका अभी भी पीसी में मैच मेकिंग हो रहा है BR रैंक के अंदर, और मेरे जैसे जो लोग हैं जो कि पीसी में खेलते हैं उनका BR में मैच मेकिंग नहीं होता है। भाई आखिर ऐसा क्यों होता है, ये तो आपको पता ही है कि गरीना फ्री फायर ने पीसी को बैन करके रखा है इंडिया में। बाकी कुछ ऐसे गिने चुने यूट्यूबर्स हैं लाइक अंकुश फ्री फायर, बिंजेट गेमिंग, इनका कैसे मैच मेकिंग हो रहा है? तो मैच मेकिंग अनग्रेजुएट गेमर का भी हो रहा है। तो इसके पीछे जो सिंपल रीजन है वो है कि गरीना फ्री फायर ने कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स के आईडी को व्हाइट लिस्ट कर दिया है, जिससे अगर वो पीसी में भी खेले फिर भी उनकी मैच मेकिंग मोबाइल वालों के साथ ही होगी। भाई पीसी बैन किया है तो ये करने की जरूरत ही क्या थी? गाइस बात है यहाँ पे कंटेंट की, कंटेंट नहीं मिलता है ना और लोग कंटेंट बना नहीं पाते हैं। आप एक और चीज नोटिस करना, जो बंदा अपने चैनल पे गेम प्ले अपलोड करता है उनकी आईडी को व्हाइट लिस्ट किया गया। इसके पीछे का ड्रॉबैक भी जान लो, आप लोगों को लग रहा होगा भाई इनके तो मजे है, लेकिन नहीं, इनका पीसी व्हाइट लिस्ट होने के बाद अगर ये कितना भी स्कोर कर ले, ये लोग ग्रैंड मास्टर में शो नहीं करते हैं। इनके अकाउंट के अंदर से ग्रैंड मास्टर शो करेगा, लेकिन हम लोग हमारे अकाउंट से देखेंगे तो इनका ग्रैंड मास्टर शो नहीं करता है। इनका स्कोर बढ़ता जाएगा लेकिन ये मास्टर में ही अटके दिखेंगे। और एक और चीज ये भी है कि इनको वेपन ग्लोरी बैच भी नहीं मिलता है। एक और चीज ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हद तक ही स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, एक हद के बाद इनकी मैच मेकिंग करना बंद हो जाती है। जहां तक मेरे को पता है कि शायद से वो स्कोर 10 से 11 हजार के बीच में है, उसके बाद इन लोगों की मैच मेकिंग भी लगना बहुत कम हो जाती है। चलो यार, ये लोग खेल तो पाते हैं गेम, रैंक पुश नहीं करेंगे, वेपन ग्लोरी बैच को क्या चाटेंगे, लेकिन गेम तो खेल पाते हैं ना। साला हम लोग तो पीसी में भाई मैच मेकिंग ही नहीं आता, क्या बोलते हो गाइस? मैं भी चैनल को स्विच कर लूं क्या गेम प्ले में? साला मेरा गेम प्ले तो नूडे जैसा है, कौन ही देखेगा। तो अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई बार बार क्यों बोलना पड़ता है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे मिलते रहेगी, सो यार से GW में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारे चैनल में शॉर्ट्स में जाके भी बहुत सारी अमेजिंग शॉर्ट्स देख सकते हो, सभी के सभी शॉर्ट्स फ्री फायर के ही हैं, जो कि आप
आप लोगों का दिमाग हिला के रख देगी। और लास्टली मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप मुझे ज्यादा प्यार दिखाना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज सर्च कर लेना GW_Manish। फैक्ट नंबर टू, आप सभी को बताया कि दो चीजें हर एक प्लेयर को आनी चाहिए, एक है AWM की स्नाइपिंग और दूसरा है अच्छे से ग्रेनेड करना। अगर आपके स्क्वाड में एक ऐसा बंदा है जो कि स्नाइपिंग बहुत प्यारा करता है और एक ऐसा बंदा है जिसका ग्रेनेड एक्सपर्ट है, मतलब वो ग्रेनेड इतना प्यारा करता है ना कि सामने वाले बंदे सोच ही नहीं पाते कि भाई ये बंदे ने ग्रेनेड कहां से किया, आपके मन में कभी ना कभी चलता होगा कि भाई मैं कैसे ग्रेनेड करना सीखूं इनके जैसे, मुझे भी सीखना है इनके जैसे ग्रेनेड करना। भाई आप भी ग्रेनेड की प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस करने का भी सही तरीका होता है। लेवल 1 से शुरू करना है, ग्रेनेड की प्रैक्टिस करना आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पे आप लोगों को ग्रेनेड स्कूल में आ जाना है। यहाँ पे आप ग्रेनेड स्कूल में आ जाओगे तो आप लोग ग्रेनेड फेंक फेंक के प्रैक्टिस करना है। कुछ एनिमीज आपको यहाँ पे अंदर देखने मिल जाएंगे, कुछ जो ग्राफ्स है आपको बाहर देखने मिल जाएंगे, कुछ ग्राफ्स मूवमेंट में देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग ग्रेनेड कुछ इस तरीके से करना है कि एक ही ग्रेनेड में वो जो ग्राफ दिख रहे हरे वाले वो फूट जाए। यहाँ पे एक सफिशियंट टाइमिंग होता है, अगर इस सफिशियंट टाइमिंग में आपने सभी के सभी ग्राफ्स को एक एक ग्रेनेड करके फोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रेनेड करने का स्किल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। गाइस अगर आपने इतना ही कर लिया ना तो ये बहुत ज्यादा होता है। आप क्लैश कोड खेलो नॉर्मली, धीरे धीरे करके आपको जो ग्रेनेड करने की स्किल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फाइनली बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, कैसे हम फ्री फायर में फ्री में डायमंड्स लेते हैं वो भी बहुत सारे, और इसमें मैंने काफी सारे अलग अलग वीडियोस बनाई है, तो अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पर जाके देख लेना, बहुत सारे हमने फ्री डायमंड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, एंड सभी की सभी ट्रिक्स 100% वर्किंग है। तो जैसे वो ट्रिक्स 100% वर्किंग है, तो वैसे ये ट्रिक भी 100% वर्किंग है। आप लोगों को सिंपली गूगल पे सर्च करना है FF एडवांस सर्वर, और मैंने पिछले ये वाले वीडियो में बताया था कि आप लोग कैसे एडवांस सर्वर डाउनलोड करके खेल सकते हो, अगर आप वो खेलना तो जाके खेल भी सकते हो। डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया, जाके आप उसको भी देख सकते हो इस वीडियो को खत्म होने के बाद। गूगल में आप जैसे FF एडवांस सर्वर सर्च करके पहला जो वेबसाइट आएगा वो ग्रेनेड का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, वहां पे आपको आना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, फाइंड अ बग एंड गेट 1000 डायमंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है, एडवांस सर्वर में कोई ग्लिचेस है या फिर कोई बग्स है उनको ढूंढना है। आपको कोई ग्लिच या फिर बग मिल जा रहा है जो कि हमको एडवांस सर्वर में देखने मिलता है, हाँ यार गेम को खराब कर रहा है, यहाँ पे फाइंड अ बग में जाना, उसके बाद रिपोर्ट बग में जाना, आपको जो बग वगैरह है जो आपने फाइंड किया है उसके प्रूफ डाल देना, डिस्क्राइब कर देना क्या है और क्या नहीं, यहाँ पे अपने फोन का जो मॉडल है वो डालना, और यहाँ पे अपने एडवांस सर्वर की UID डालना, यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो या फिर वीडियो की लिंक डाल सकते हो, ड्राइव में अपलोड करके फिर यूट्यूब में अनलिस्टेड करके यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। अगर आपका बग अप्रूव हो जाता है, ग्रेनेड फ्री फायर को लगता है कि हाँ यार ये बग तो सच में अपने गेम के अंदर है, और उस बग को पहले आपसे पहले किसी ने नहीं बताया ग्रेनेड फ्री फायर को, तो आप लोगों के नोटिफिकेशन आएगा, उस अकाउंट में आप लोगों अपने रियल अकाउंट का UID पेश करना होगा। तो ऐसे करके आप 1000 डायमंड ले सकते हो, और ये हर बार जब नया एडवांस सर्वर आता है उस टाइम हर बार ये वर्क करता है, तो आप हर 2 महीने में से 1000 डायमंड करके फ्री में ले सकते हो, जिससे आप ना जाने अनलिमिटेड कितने सारे डायमंड्स ले लोगे। तो गाइस आप वेट किसका कर रहे हो, जाके एडवांस सर्वर डाउनलोड करो, एडवांस सर्वर खुद खेलो, एडवांस सर्वर खुद एंजॉय करो, अगर आप लोगों को मिल जाता है कोई बग तो रिपोर्ट करो और फिर डायमंड लूट लो। गाइस आप लोग आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोगों ने शायद हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो यार जाके कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।